बीजेपी जैसे कमजोर हो रहा है उनसे ज्यादा कमजोर समाजवादी पार्टी भी हो रहा है। कैसे? वक्त ऐसा था सपा को बहुजन प्रेमियों गले लगाते थे, वक्त ऐसा आ गया है सपा को एससी एसटी ओबीसी लोग छोड़ने लगे हैं। क्यों? सपा वाले दो मुहा सांप जैसे हैं, मुंह में बाबा साहेब का बात रख जय भीम कहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये दूसरी बात रखते हैं। मुंह में जय भीम और पीछे भीम का विचार का खिलाफ जाना, कैसा बात है ये बात को उत्तर प्रदेश का जनता समझ चुके हैं। इसीलिए सपा को छोड़कर बहुत सारे लोग बसपा में शामिल हो रहे हैं। आज की तारीख में बीजेपी वाले का हाल बेहाल है। जहां भी बीजेपी जा रहा है बीजेपी विधायकों को दौड़ा रहे हैं लोग। केशव प्रसाद मौर्य जी को दौड़ाने के बाद आप सबको पता है उनका तमाम पदाधिकारी और एमएलए जो भी वोट मांगने के लिए गांव-गांव जा रहे हैं लोग उन्हें भगा रहे हैं, दौड़ा रहे हैं। यानी बीजेपी का हालत उत्तर प्रदेश में खराब है। गोदी मीडिया ये बात कभी भी किसी को नहीं दिखाएगा। वैसे ही समाजवादी पार्टी को आज का तारीख में समाजवादी पार्टी में जुड़े हुए पदाधिकारी समाजवादी छोड़ रहे हैं। फिलहाल अभी अभी समाजवादी पार्टी का विधायक बसपा का प्राइमरी सदस्यता ग्रहण कर ली है, क्योंकि समाजवादी कभी भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी और माइनॉरिटी को सही से सम्मान नहीं देता, इज्जत नहीं करता। सिर्फ ही सिर्फ बाबा साहेब अंबेडकर का बात बाबा साहेब अंबेडकर का विचार में चलने वाले पार्टी बहुजन समाज को सुरक्षा देता है, इज्जत देता है और डिग्निटी का साथ उन्हें सम्मान का साथ उन्हें जगह मिलता है। इस बात को जिक्र करते हुए उत्तर प्रदेश का जनता समाजवादी पार्टी छोड़ रहे हैं। उसके साथ साथ हजारों कार्यकर्ता बसपा का समाजवादी पार्टियों का कार्यकर्ता को गले मिलाकर भाईचारा स्थापित कर इन्हें वेलकम कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी है, साहित्य पार्टी है, ये बाबा साहेब को जानता है। बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता ऐसा कार्यकर्ता है ये लोग सामाजिक समरसता को स्थापन करते हैं। जो भी बसपा में शामिल हो जाता है उन्हें गले लगाकर वेलकम किया जाता है। बसपा एक समरसता स्थापन करने वाले पार्टी है। सपा वाले इस सीन को देखते हुए इनका ताकत कमजोर होने लग रहा है, ये बात आपको मीडिया वाले नहीं दिखाएंगे। सोशल मीडिया में ये ज्यादा वायरल हो रहा है। समाजवादी पार्टी सिर्फ सिर्फ एक विशिष्ट कम्युनिटी का पार्टी बन के रह गया है। समाजवादी पार्टी वाले ना बाबा साहेब को रिसीव कर पा रहे हैं, ना लोहिया को रिसीव कर पा रहे हैं। सब हिंदुत्व उनका दिल में है। समाजवादी पार्टी का मुखिया खुलकर सामने नहीं आ पा रहे। बिहार में तेजस्वी यादव का हालत जैसे है वैसे ही उत्तर प्रदेश में अखिलेश सिंह यादव जी का हालत भी वैसे है। समाजवादी पार्टी सामाजिक समरसता को
मुद्दा रख नहीं पा रहा है। समाजवादी पार्टी सोशल जस्टिस के बारे में मुद्दा रख नहीं पा रहा है। सख्त हिंदुत्व तो उनका दिल में है, ये मंदिर में जाते हैं घंटी बजाने के लिए। इन लोगों को कभी भी बाबा साहेब अंबेडकर याद नहीं आते हैं। अब चुनाव का मौसम है, अब ये जय भीम कह रहे हैं, यानी उत्तर प्रदेश का जनता समाजवादी पार्टी का दुगलापन को समझ चुका है। इसीलिए यूपी वाले, खास करके यूपी में रहने वाले शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी लोग ये जान चुके हैं, बसपा ही ऐसा एक पॉलिटिकल पार्टी है जो सोशल सामाजिक समरसता को स्थापन करता है, दबे कुचले लोगों को न्याय दिलाता है, सोशल जस्टिस के बारे में मुद्दा जबरदस्त रखता है। खुलकर बसपा वाले सामने आ जाते हैं, क्योंकि बसपा वाले को ये मालूम है ये 85 है, 85% इनका पॉपुलेशन है। बाबा साहेब अंबेडकर कभी भी किसी को ना डरे ना चुके, दादा साहेब कंसीराम ने कभी भी इनका जिंदगी में कभी ना डरे ना चुके। ये विचार ऐसा एक विचार है जो भारत को यूनिटी इंटीग्रिटी में एकत्रित करता है। बहन मायावती जी बाबा साहेब अंबेडकर का विचार में चलती है, दादा साहेब कंसीराम का विचार में चलती है, लालेश सिंह यादव जी का विचार में चलती है, ई वी रामस्वामी पेरियर साहब का विचार में चलती है, माता सावित्रीबाई फूले को विचार से चलती है, तमाम महापुरुषों को विचार को इकट्ठा करके भोजन को उद्धार करने के लिए वो ताकत करती है। सिर्फ बसपा ही एक पार्टी है जो बहुजन समाज का हित के लिए काम करने के दमखम रखता है। ये बात को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश का जनता ये ठान लिए है इस बार 2022 में वोट सिर्फ सिर्फ बसपा को ही जाएगा। समाजवादी पार्टी डे बाय डे कमजोर हो रहा है यूपी में, बीजेपी बिल्कुल मैदान में नहीं है। अब सबको पता है प्रशासनिक क्षमता शासन क्षमता को दुरुपयोग करते हुए लोगों को बुलाने के लिए जी तोड़ कोशिश करते हुए भी पीएम का रैली में कोई नहीं आते, बीजेपी वाले का रैली में कुर्सी खाली हो जाता है। ये सब देख के पता चल रहा है 2022 उत्तर प्रदेश में बसपा का शासन तय है, कोई रोक नहीं सकता। थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।